सूरह वाकिया की मुसलसल जिन आयात की तिलावत शरफ हासिल किया है उसमें तीन ग्रोह का जिक्र हो रहा है। पहला ग्रोह वो है कि जो जन्नतियों का ग्रोह है, अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, जो सीधे हाथ वाले हैं उनका क्या कहना, वो तो सीधे हाथ वाले हैं। वो अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, और फिर जहन्नमियों का जिक्र आ रहा है कि जो बाएं हाथ वाले हैं वो कितने बदबख्त हैं, वो बाएं हाथ वाले। अच्छा, यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मैमना और मशअमा, जाहिर सी बात है कि कुरान के एक लफ्ज के मुतअद्दिद माना होते हैं, 70-70 माना भी होते हैं, तो मैमना के दो माना किए गए हैं। मैमना एक लफ्ज निकला है युम्न से, युम्न का मतलब है मन्नत, युम का मतलब है एक सआदतमंदी, तो जो लोग सआदतमंद हैं उनका क्या कहना, वो तो बहुत सआदतमंद है। और जो मशअमा का उसके मुकाबले मतलब किया गया वो ये बदबख्ती। मशअमा निकला है लफ्ज शूम से, नहस से, मनहूसियत से, तो जो मनहूस हो वो तो बहुत ज्यादा मनहूस है कयामत के मैदान। इसी तरीके से इसका एक और माना भी है, मैमना कहा जाता है सीधे हाथ वालों को, जो दस्ते यमीन रखता है सीधा हाथ रखता है उसको मैमना कहा जाता है, और जो उल्टा हाथ रखता है उसको मशअमा कहा जाता है। इसीलिए तारीख के अंदर हमें जब हम नक्शा देखते हैं तो मक्का मुअज्जमा की दाएं तरफ यमन पड़ता है, और यमन निकला है लफ्ज यमीन से, लफ्ज मैमना से, इसलिए यमन को यमन कहते हैं क्योंकि वो मक्का के सीधे हाथ पर पड़ता है, और जो मक्का के उल्टे हाथ पर पड़ता है उससे मशअमा से लफ्ज निकला है शाम। शाम को शाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मक्का मुअज्जमा के उल्टे हाथ पर पड़ता है। और इंशाल्लाह परवरदिगार हमारा शुमार दाएं हाथ वालों में फरमाए। तो जो राय हक पर है उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ फअस्हाबुल मशअमती, जो दाएं हाथ वाले उनका क्या कहना, वो वहां पर भी दाएं हाथ वाले होंगे यानी सआदतमंद होंगे, और जो बाएं हाथ वाले हैं यानी बाएं हाथ में नामा अमाल लेने वाले हैं वो वहां पर शकावतमंद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये जो तीसरा ग्रोह है ये इन दोनों ग्रोहों का सरदार है, ये हर नेक अमल में सबकत अख्तियार करने वाले हैं। कल हमने आपकी खबर बयान करने की कोशिश की थी कि ये ईमान के अंदर सबकत अख्तियार करने वाले हैं, ये इल्म के अंदर सबकत अख्तियार करने वाले हैं, ये शुजात के अंदर सबकत अख्तियार करने वाले हैं, ये सखावत के अंदर सबकत अख्तियार करने वाले हैं, और आज हम जो बयान करने वाले हैं कि ये खुदा की इताअत और बंदगी में भी सबकत अख्तियार करने वाले हैं।